हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके पर्यवेक्षक के एग्जाम में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण अभियान योजना में किसको सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पोषण अभियान योजना के अंतर्गत बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं को, इन तीनों को जो है सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है, 18 वर्ष से ज़्यादा, 18 वर्ष से कम, उपरोक्त सभी, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम जो है, कम के बालक जो है बाल संप्रेक्षण गृह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया, किशोरी बालिका योजना के लिए, विधवा पेंशन योजना के लिए, एसिड हमला योजना के लिए, या फिर तलाकशुदा महिला योजना के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरी बालिका योजना के लिए जो है वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम जो है प्रारंभ किया गया, और किसके द्वारा, तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा पर लेने पर हड्डियों को क्षति पहुँचती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डियों से संबंधित है, ठीक है, संयुक्त समतुल्य मात्रा लेने पर जो है यह हड्डियों के विकास में काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन यदि मात्रा से अधिक लिया जाए विटामिन डी को, तो यह हड्डियों को क्षति पहुंचाने में भी पीछे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर त्वचीय, त्वचा के अंदर, अवत्वचीय, त्वचा के नीचे, अंतर पेशी, या फिर नसों में, सिरा अभ्यंतर, सिरा के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर पेशी। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वह अंतर पेशी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या फिर लैंगिक बजटिंग योजना, या फिर एकीकृत बाल विकास योजना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत बाल विकास योजना जो है 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास के लिए और लर्निंग आउटकम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार, इन तीनों को जो है सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकार किया है। ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय बालक चार्टर्ड 2003, राष्ट्रीय बालक चार्टर्ड 2004, राष्ट्रीय बालक चार्टर्ड 2005, राष्ट्रीय बालक चार्टर्ड 2006। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बालक चार्टर्ड 2003, जो कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,